वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण छोटे धूल कण और वातावरण में अन्य छोटे तरल पदार्थों की रिहाई है। इन पदार्थों को प्राकृतिक क्षमता की तुलना से अधिक आसमान में मुक्त किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए बुरा प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैसें हैं जो वातावरण में जारी होते हैं। ये बिजली संयंत्रों, ऑटोमोबाइल, भट्टियों में गैसोलीन, ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से हवा में जारी किए जाते हैं। ओजोन एक हल्के नीली गैस है। अगर पृथ्वी के वातावरण के निचले स्तर में मौजूद आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण हो सकता है। यह धुंध में प्रमुख गैस का एक हिस्सा है। धुंध कोहरे और धुएं का एक मिश्रण है। कोयला, तेल, जल विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सूत, धूल, धुएं और धुएं से बने छोटे ठोस और तरल कणों को छोड़ दिया जाता है। वे मानव स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, जमीनी स्तर के ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, घन पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक दरों पर औद्योगिक देशों द्वारा उत्सर्जित छह प्रमुख प्रदूषक हैं। लेड को छोड़कर अन्य प्रदूषकों को हर साल लाखों टन में वातावरण में सीधे जारी किया जाता है। हवा में विषैले वातावरण में जारी हानिकारक गैसों का अचानक रिहाई होती है। वे दुर्घटना से वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए 1984 में भोपाल दुर्घटना में हवा में हानिकारक पदार्थों की आकस्मिक रिहाई के कारण बड़ी संख्या में मौतें हुई। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण का एक सामान्य घटक माना जाता है और औद्योगिक क्रांति से पहले इस गैस का स्तर सामान्य था। 21वीं सदी की शुरुआत से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक दर से बढ़ रहा है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रदूषक हवाओं से और तापमान भिन्नता के कारण चले जाते हैं। तापमान भिन्नता वातावरण में अस्थिरता का कारण बनती है। इससे तापमान व्युत्क्रमण हो सकते हैं, जिसमें बढ़ते ऊंचाई के साथ हवा का तापमान बढ़ता है। इस प्रकार हानिकारक प्रदूषक ऊपर की तरफ नहीं उठाए जाते और जमीन में रहते हैं। वायु प्रदूषक महाद्वीपों को पार कर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और तेज हवाओं द्वारा उठाए जाते हैं। इसका वैश्विक जलवायु और मौसम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एसिड बारिश, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल है, जंगलों, पानी और मिट्टी के लिए हानिकारक है। इंडोर वायु प्रदूषण भी स्वास्थ्य के लिए प्रमुख हानिकारक है। स्टोव, स्पेस हीटर, फायरप्लेस, सफाई एजेंटों और कीटनाशकों, पराग, मकानों के अंदर धूल स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छोटे कार्य, साफ ईंधन और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके हवा में प्रदूषक को कम करें। बिजली के उपकरणों को जब उपयोग में नहीं हो तो बंद करें और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। सूर्य ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें, कई पेड़ लगाएं और इंडोर पौधों का विकास करें जो वायु प्रदूषक निकालने की क्षमता रखते हैं। सार्वजनिक परिवहन या बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें।